तो अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखो अभी भी 63 दिखा रहा है। 63 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये एकदम से इंस्टेंटली अपडेट नहीं होता। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखो मैं भी बैठे बैठे इसको यहीं पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारी अपडेट हो जाएगी। 63 से 83 हो गए। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर 83 मेरे जो स्टेप्स थे वो बढ़ गए। तो गाइज जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी हाउ स्टेप ट्रैकर वर्क्स, जिसके अंदर आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था, उसके ऊपर मेरे 21K व्यूज़ आए थे और वहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट भी आए थे। तो इस वीडियो में भी आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या 2023 में भी स्टेप ट्रैकर सही से काम करता है और क्या उसकी लेटेस्ट वर्किंग प्रोसेस है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन टेक्नोलॉजी। क्या वो प्रोसेस अभी बेसिकली इम्प्रूव हुई है या अभी भी पहले जैसी है? तो बिना टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले समझते हैं कि स्टेप ट्रैकर्स या फिर हम पेडोमीटर भी कह देते हैं कि वो वर्क कैसे करता है हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर एज वेल एज हमारी स्मार्ट वॉचेस के अंदर। तो गाइज इसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है। हमारे फोन के अंदर एक डिवाइस लगा होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेलेरोमीटर। वो दो टाइप का होता है, पहला होता है हमारा 2 एक्सिस, सेकेंड होता है हमारा 3 एक्सिस। अब देखो 2 एक्सिस और 3 एक्सिस के अंदर डिफरेंस ये होता है कि 2 एक्सिस वाला जो होता है वो 2D के अंदर हमारी मूवमेंट को मेजर करता है, ठीक है। एक्सेलेरोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि हमारी मूवमेंट को मेजर करता है, ठीक है। 2 एक्सिस में क्या होता है, हमारी 2D मूवमेंट को मेजर करेगा, यानी लेफ्ट राइट आगे पीछे इस तरीके से 2 डायमेंशनल के अंदर वो हमारी मूवमेंट को मेजर करेगा। और जो 3 डायमेंशनल एक्सेलेरोमीटर होता है वो क्या करता है, हमारी जो मूवमेंट होती है उसको 3 डायमेंशनली मेजर करता है, ट्रैक करता है। कैसे? लेफ्ट राइट आगे पीछे और साथ में ऊपर नीचे, ठीक है। जिसके थ्रू हम अपने फोन को अगर किसी टिल्ट पोजीशन पर रखते हैं या फिर आपने गेमिंग देखा हो, गेमिंग में सेंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने फोन को स्लाइड करते हैं, टिल्ट करते हैं, तो गेमिंग कंट्रोल चलते हैं ऊपर नीचे इस तरीके से, तो वो काम हो रहा होता है एक्सेलेरोमीटर के थ्रू, ठीक है। या फिर हम अपने फोन को लैंडस्केप कर लेते हैं, पोर्ट्रेट कर लेते हैं, वो काम भी एक्सेलेरोमीटर ही करता है। अब इसी एक्सेलेरोमीटर को ध्यान में रखकर हम बेसिकली यूज करते हैं एज अ पेडोमीटर। अब पेडोमीटर क्या होता है, बेसिकली इसके थ्रू हम अपने फोन के मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फोन है, वो चले जा रहा है चले जा रहा है, इसकी मूवमेंट को मैं ट्रैक करूंगा, ठीक है। इसको ट्रैक करते हैं कि ये हमारा किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। बेसिकली जो मोबाइल फोन और रिस्ट वॉच होती है स्मार्ट वॉच, उनके अंदर ये बेसिकली डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ, मैं इसको टू एंड फ्रो ऐसे 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 अपने फोन को या फिर अपनी वॉच को इस तरीके से हिलाता रहूंगा, तो क्या होगा, बेसिकली वो मूवमेंट डिटेक्ट करेगा और हमारे स्टेप्स काउंट कर लेगा कि हम इतने स्टेप्स चल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सीन ये आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, बाइक चला रहा हूँ 60-70 की स्पीड से मेरी बाइक चल रही है, तो भाई मूवमेंट ट्रैक कर रहा है मेरे फोन की या मेरी रिस्ट वॉच की, तो उससे क्या होगा, ये वो भी मूवमेंट ट्रैक करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिट्स लगी होती हैं, लिमिट्स ऐसी लगी होती हैं कि अगर इतने की स्पीड से ऊपर बंदा मूव कर रहा है तो जो हमारा एक्सेलेरोमीटर है वो सेंस करेगा कि ये पैदल नहीं चल रहा, तो इसीलिए जितनी भी मूवमेंट होगी उसको एक्सक्लूड कर देगा और पेडोमीटर हमारी एक्यूरेट रीडिंग देगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक ऐसा बग आ जाता है, इसके अंदर बग नहीं कह सकते, बेसिकली ऐसा डिमेरिट्स आ जाता है जिसके थ्रू पेडोमीटर फेल हो जाते हैं, वो भी 2023 में आज तक भी। वो क्या डिमेरिट्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं बाइक चला रहा हूँ, बाइक चलाते चलाते बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आ गया, ठीक है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आ गया, मेरी बाइक थोड़ी सी स्पीड से चली फिर रुक गई, फिर हल्की सी स्पीड से चली 5-10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिर रुक गई। और वो जो स्पीड होती है चलने की बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर, वो होती है स्पीड ऑफ ह्यूमन वॉकिंग, ठीक है। तो जो हमारा पेडोमीटर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि कोई ह्यूमन चल रहा है और वो उसको एज अ पेडोमीटर काउंट कर लेता है। अब ये सिनेरियो बेसिकली मैंने फर्स्ट टाइम तब सोचा था, एक बार मैं अपने होम टाउन जा रहा था और मैं गाड़ी चला रहा था और बेसिकली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था पूरे रास्ते। अब मैं जब पहुंचा वहां पर, मैंने फोन निकाला, फोन निकाल कर मैंने अपने स्टेप्स देखे क्योंकि उस टाइम मैं अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहा था, तो उसके अंदर जो रीडिंग थी वो ये थी कि मैं 20 किलोमीटर आज चल चुका हूँ, ठीक है, 20 किलोमीटर चल चुका हूँ। और मैं सुबह उठते ही अपने होम टाउन चला गया था, जबकि मैं बिल्कुल भी नहीं चला था, और मैंने वहां पर जाके देखा 20 किलोमीटर। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब 20 किलोमीटर ये रीडिंग ऐसे कैसे आ गई यार, मैं तो चला भी नहीं। तो फिर मैंने क्या आइडिया लगाया, फिर मैं बाइक पे बैठा, बाइक पे बैठकर मैंने थोड़ा सा चलाया,
बिल्कुल स्लो 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 स्पीड पर 5-10 किलोमीटर पर आ रही, और जो वो सारी रीडिंग थी वो मेरे फोन के अंदर गेट हो रही थी, जिसकी वजह से वो मुझे बता रहा था कि आप इतने किलोमीटर चल गए हो। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, ये एक डिमेरिट्स है जो कि आई थिंक ओवरकम होनी चाहिए। तो अब आप डेफिनेटली कह सकते हो कि जो आज की डेट के भी एक्सेलेरोमीटर हैं या फिर सॉफ्टवेयर है या एल्गोरिथम है, वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है कि वो एक्यूरेट रीडिंग दे पाए यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी मैं आपको लाइफ प्रूफ दिखाता हूँ। लाइफ प्रूफ कैसे, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 63 स्टेप्स हैं मेरे। ठीक है, मैं 63 स्टेप्स चल चुका हूँ इस वाले फ़ोन के अंदर, अगर मैं इसको टू एंड फ्रो करूँगा। ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ, एक्चुअली लाइट बंद हो गई थी। ठीक है, 63 स्टेप्स मेरे यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको टू एंड फ्रो मूव करूँ, फिर देखते हैं स्टेप्स कितने होते हैं। तो देखो, मैं इसको 2 सेकेंड, मतलब 5-10 सेकेंड के लिए टू एंड फ्रो मूव करता हूँ, हल्की हल्की स्पीड से, जितनी स्पीड्स ऑफ ह्यूमन वॉकिंग होती है। ठीक है, ओके। तो अब इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद देखो अभी भी 63 दिखा रहा है। 63 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये एकदम से इंस्टेंटली अपडेट नहीं होता। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखो मैं भी बैठे बैठे इसको यहीं पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारी अपडेट हो जाएगी, 63 से 83 हो गए। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर 83 मेरे जो स्टेप्स थे वो बढ़ गए, यानी मैं यहाँ पे यहाँ चला तो मेरे 20 स्टेप्स इंक्रीज हो गए। तो आपने देख ही लिया प्रूफ के साथ कि ये अभी बिल्कुल एग्जैक्ट काम नहीं करता। तो गाइज, ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप इस टाइप की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इन्फॉर्मेटिव ही वीडियो डालते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच करें, और जो मन में वो करें। शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें।